तो क्या हमारा यही फर्ज बनता है कि अपने वीडियो से हम दूसरे को दुखी कर दें, नेगेटिविटी फैला दें? यही फर्ज बनता है हमारा? मैक्सिमम औरतें जो होती हैं घर का काम करने के बाद अपने मूड फ्रेश को करने के लिए हमारा वीडियो देखने बैठती हैं, तो क्या हमारा यही फ़र्ज है हम यही करें? किसी को हम कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते हैं तो क्या हम उन्हें उदास कर दें? अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट ना हो तो हम उन्हें उदास कर दें? यही फ़र्ज है हमारा? हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज बात करते हैं लखनऊ की गर्ल के बारे में। समझ गए ना आप लोग किसके बारे में बात हो रही है? द बिजनेस वुमेन, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कल का दिन, करवा चौथ का दिन, साल में एक बार आने वाला दिन, जिसका मतलब इंतज़ार सुहागिनें पूरे साल करती हैं, पूरे साल जिसका इंतज़ार सुहागिनें करती हैं और काफ़ी खुश होती हैं। अगर कोई मनमुटाव हो भी जाए तो खुशी खुशी इस त्यौहार की तैयारी करती हैं, खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाती हैं और दुआएं मांगती हैं, दुआएं देती भी हैं दूसरी सुहागिनों को भी। बट इन्होंने क्या किया, मैडम जी ने क्या किया, मैडम जी ने कल के दिन, कल के शुभ दिन नेगेटिविटी फैलाई, लोगों को उदास किया। कैसे? तो आप इनका कल का वीडियो अगर देखेंगे तो कल के वीडियो में इन्होंने टाइटल डाला था आज के दिन पे सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। इन्होंने कल के शुभ दिन पे ऐसी नेगेटिविटी फैलाई, इन्हें देखने वाले लोग भी दुखी हो गए थे, इन्हें देखने वाले लोग भी दुखी हो गए थे। उन वीडियो में क्या था, वीडियो इन्होंने ऑन करा, मुंह उतरा हुआ इनका दिख रहा है, ये बोल रही हैं हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, ऐसा क्यों होता है, त्यौहार आती है तो लड़ाई हो जाती है, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये बेवकूफ़ बना रही हैं लोगों को, बेवकूफ़ बना रही हैं लोगों को। और अपनी सारी तैयारियां भी कर रही हैं, लहंगे निकाल रही हैं, अपनी पसंद के सब कुछ निकाल रही हैं। इनके मन में तो सब कुछ चल रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी प्लानिंग इनकी रेडी है, पर फिर भी व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए लोगों को दुखी दिखा रही हैं, क्योंकि अच्छे से पता है कि जहाँ पर दुख दिखेगा वहाँ पर लोग दौड़े आएंगे देखने के लिए। इन्होंने इस तरह की टाइटल डाली और टाइटल डालकर लोगों को दुखी दिखा रही हैं, दुखी दिखाकर ये दिखा रही हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है मगर मेरे उत्साह नहीं है, मैं खुशी खुशी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा पहली बार हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लोग नीचे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं दी प्लीज़ दुखी ना हो, और कितनी सारी औरतों ने ये भी कमेंट किया है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। अरे हर घर में ऐसा होता है, हर घर में ऐसा होता है, ऊंच नीच थोड़ी बहुत लगी रहती है हर घर में। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर थोड़ी बहुत मनमुटाव ना हो तो वो रिश्ता ही कहता, जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है ना वो दिखावा होता है। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, थोड़ी बहुत खटपट हर रिश्ते में होती है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ नहीं होती है, हर रिश्ते में होती है। तो ये मैडम उस चीज़ को कल हथियार बनाकर कल का वीडियो इन्होंने बनाया सिंपैथी गेन करने के लिए। और बहुत सारी औरतें दुखी होकर, उन्हें अपना झगड़ा याद आ गया या अपने हस्बैंड की कुछ बातें याद आ गई, इस तरह से उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसे त्यौहार में हो जाता है, पता नहीं क्यों ये मर्द लोग समझते नहीं हैं, ऐसा वैसा, इतने सारे कमेंट्स वहाँ पर भरे हुए हैं। ये मैडम तो पैसे कमा लेंगी उस वीडियो से, ये मैडम तो अच्छे खासे पैसे कमा लेंगी, लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने लोगों को कल दुखी कर दिया। मैंने इनका वीडियो कल ही देखा था, कल जब इनकी वीडियो आई थी ना तभी मैंने देखा था इनका वीडियो, लेकिन मैंने अपना कल का दिन ख़राब नहीं किया ये वीडियो बनाकर। मेरे को भी लगा था कि मैं बोलूं, मैं जवाब दूं इस चीज़ पर मैं चुप थी। अगले दिन यानी आज के दिन व्लॉग आ जाता है इनका करवा चौथ का। वाओ, कितने अच्छे से खुशी खुशी ये तैयारी कर रही हैं, नेल एक्सटेंशन करा रही हैं। किस व्लॉगर ने नेल एक्सटेंशन कराया? आपसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जिनके बहुत व्यूज़ आते हैं, किसने नेल एक्सटेंशन कराया? आपके नेल एक्सटेंशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेल एक्सटेंशन कराइए, नेल आपके, पैसे आपके, सब कुछ आपका, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरह से आप खुशी खुशी तैयारी कर रही हैं, लहंगा का ब्लाउज़ बन के आ गया, लहंगा सिलकर आ गया, नेल एक्सटेंशन आपने कराया है, खाने की तैयारी आप नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगी, एक टाइटल डाल के आप चार ब्लॉग की तैयारी कर रही हैं, चार ब्लॉग से आप ढेर सारे पैसे भी कमाएंगी, पर लोगों को कर दिया आपने दुखी, क्योंकि कल आपने ऐसा टाइटल डाल दिया था सिंपैथी वाला, उसके बाद आज भी आप बोल रही हैं कुछ भी हो करना तो पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, हम औरतों का तो यही है। ओ रियली, ये आपका गेम प्लान है,
ये आपका गेम प्लान है, ठीक है, जो आप कर रही हैं ना, ये आपका गेम प्लान है। आप तैयार भी बहुत अच्छे से होंगी, कल आपका जब वीडियो आएगा ना, आप तैयार भी बहुत अच्छे से रहेंगी, आप मनाएंगी भी बहुत अच्छा से। आपके हस्बैंड तो सब कुछ कर रहे हैं, आपको घुमाने लेकर जा रहे हैं, आपका नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं, उसके बाद आपके घर में जब कपड़े आते हैं तो वो रिसीव भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी बातों का अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं, तो फिर कहाँ से लड़ाई हुई? अब ये बात बोलिएगा कि ऑन कैमरा भी लड़ाई करके दिखाएंगे क्या हम लोग? हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप ऑन कैमरा लड़ाई करके दिखाइए, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो त्यौहार वाले दिन आप मनहूसियत मत फैलाइए, वाईटी पर नेगेटिविटी मत फैलाइए। त्यौहार वाले दिन आपको नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप कर रही हैं ना, आप गलत कर रही हैं। वेट करूँगी आपके कल के व्लॉग का, उस पर फिर और अच्छे से मैं रिएक्शन दूँगी। जब आपको सब कुछ अच्छे से करना ही था तो आपने नेगेटिविटी क्यों फैलाई? नेगेटिविटी आपने क्यों फैलाई? लोगों को आपने उदास क्यों किया? कुछ लोग तो उदास हो ही गए ना, जो आपसे अटैच हैं, या जो अटैच नहीं भी हैं, लेकिन जब आपने ऐसी बातें निकाली तो लोगों का मन हो गया ना। आपने क्या जो एटमॉस्फेयर आपने वीडियो के थ्रू आपने फैलाया, वो क्या फैलाया? नेगेटिव दुख। कितनी सारी औरतें दुखी हो गई कल। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो खुशी फैलाने की कोशिश कीजिए, ना कि नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यही एक गुजारिश आप लोगों से। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि रिएक्शन वाले बोलते हैं, तो रिएक्शन वाले क्यों नहीं बोलेंगे? जब आप लोगों को दुखी करेंगी, लोग घर की औरतें, मैक्सिमम हमारे वीडियोस देखने वाली घर की औरतें होती हैं, तो जब घर की औरतें अपना सारा काम करके अपना मूड फ्रेश करने के लिए हाथ में फ़ोन लेती हैं, हम लोगों के वीडियोस को देखती हैं, तो क्या हमारा यही फ़र्ज बनता है कि हम अपने वीडियो से उन लोगों को दुखी कर दें, उन लोगों के मन को दुखी कर दें? यही फ़र्ज बनता है हमारा क्या? नहीं ना। तो फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? आपने गलत किया है। और मैं अब आपके नेक्स्ट व्लॉग का वेट कर रही हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग पे आपको मैं, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं रिएक्शन दूंगी ही दूंगी, ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।